हेलो एवरीवन, फाइनली आप सभी जिस बात को लेकर बहुत कंफ्यूज थे, एनटीए ने उसको बिल्कुल क्लियर कर दिया है। और अभी तीन नोटिफिकेशन एनटीए की तरफ से रिलीज किया गया है, जिसमें थर्ड नोटिफिकेशन में आपके पूरा क्लियर कर दिया गया है कि जेई मेन में अगर आपके एप्लीकेशन फॉर्म को फिल करने में कोई भी गलती हुआ है तो उसका क्या कुछ सोल्यूशन है। इतना ही नहीं, कई सारे बच्चों के पेमेंट इशू आ रहा था, तो पेमेंट जिस बच्चे का इशू आ रहा है उनका क्या कुछ सोल्यूशन है, अब वो क्या कर सकते हैं। जैसे कई सारे बच्चों के मेरे पास कमेंट आ रहे थे कि भैया मैंने पेमेंट तो कर दिया, पैसा भी कट गया, लेकिन वहां पे इनकम्प्लीट शो कर रहा है, कम्प्लीट हुआ ही नहीं, तो उसका क्या कुछ सोल्यूशन है। हमारा पैसा तो बिल्कुल फंस गया, अब क्या करे, दोबारा पेमेंट करे या क्या करे। तो आज के इस वीडियो में एक एक डाउट आप सभी का क्लियर हो जाएगा। इतना ही नहीं, एनटीए ने लगभग 35 क्वेश्चन का जवाब आपको दिया है, ठीक है। तो आज के इस वीडियो को पूरी ध्यान से देखिएगा, एक एक डाउट आप सभी का क्लियर हो जाएगा। उससे पहले आप सभी से एक प्यारा सा रिक्वेस्ट है, जल्दी से सब्सक्राइब करके दबा लेना। फायदा क्या होगा कि आपके एप्लीकेशन फॉर्म आने से लेकर के टिल एडमिशन कंप्लीट सपोर्ट हम लोग करने वाले हैं, ठीक है। अभी सब्सक्राइब करके नीचे बेल आइकन दबा लेना। स्टार्टिंग के दो नोटिफिकेशन आपके काम का नहीं है। ये किन बच्चों के लिए काम का है? जो बच्चा आपके तमिलनाडु से है उसके काम का है। दूसरा नोटिफिकेशन अबू धाबी में एग्जामिनेशन सेंटर को लेकर के है, यहां पे आप साफ साफ देख सकते हैं, ठीक है। लेकिन जो थर्ड नोटिफिकेशन रिलीज किया गया है जिसमें आपके कई सारे क्वेश्चंस के जवाब दिए गए हैं, तो आज के इस वीडियो में कंप्लीट हम लोग डिस्कशन करते हैं कि आपको यदि कोई प्रॉब्लम आ रहा है तो उसका क्या कुछ सोल्यूशन है। देखो यहां पर क्वेश्चन तो बहुत सारा है, लेकिन हम वही सभी क्वेश्चन को लेंगे जो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है और जो कमेंट में आपने मुझसे कई बार पूछा है, वो सारे क्वेश्चन को हम लोग लेने वाले हैं। बट आगे बढ़ने से पहले मैं आप सभी को इंडिया बिगेस्ट स्कॉलर टेस्ट के बारे में बताना चाहूंगा, जो कि है मेगा वेदांतु स्कॉलरशिप एडमिशन टेस्ट, जो कि बिल्कुल फ्री है। एक भी रुपया आपको इसके लिए नहीं देना होगा और आप इसे ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों ही मोड में दे पाएंगे। आप देख सकते हैं 2 तारीख, 3 तारीख, 9 तारीख और 10 तारीख, ये 4 दिन आपके एग्जामिनेशन होने वाले हैं दिसंबर 2023 में। ये कौन कौन बच्चा दे पाएगा, ठीक है। सबसे पहले बात करते हैं कि टेस्ट सेंटर जो आपके ऑफलाइन है वो कहां कहां है। तो आप देख सकते हैं कि सारे सिटी में आपके टेस्ट होने वाले हैं। उसके बाद में अगर हम एमबीसीएट के बारे में थोड़ा सा डिटेल्ड में बात करें, तो जो बच्चा यहां पे अच्छा परफॉर्म करेगा उसको 100% तक का स्कॉलरशिप मिलेगा। आप यहां पे साफ साफ देख सकते हैं। इतना ही नहीं, उसके अलावा और भी कई सारे रिवॉर्ड आपको मिलेंगे, जैसे कि टैब और भी कई इस तरह के रिवॉर्ड वेदांतों की तरफ से रखा गया है जो अच्छा परफॉर्म करने वाले बच्चों को मिलेगा। साथ में जो टॉप रैंकर बच्चा होगा उनको 5 डे का प्रोग्राम मिलेगा, जो कि स्पेस रिसर्च सेंटर में, यानी देख सकते हैं बहुत सारी बेनिफिट आपको मिलने वाली है। डिस्क्रिप्शन में और कमेंट के सबसे टॉप पे लिंक होगा, जाइएगा, सीधा क्लिक करके अपना डिटेल डाल करके रजिस्टर कर लेना है। और जैसे ही टेस्ट होगा उस दिन बस आपको जाकर के टेस्ट दे देना है। प्राइजेस में ड्रोन्स, स्मार्ट वॉच, टेलीस्कोप और भी कई तरह के प्राइजेस आपको यहाँ पे मिलेगा। रजिस्ट्रेशन बिल्कुल फ्री है। 8-9 का बच्चा भी इसे दे सकता है। यदि आपके घर में कोई ब्रदर सिस्टर है तो 8-9 वाला इनरोल करवा दीजिएगा। 10 का भी दे सकता है और साथ में क्लास 11th, 12th और JEE एस्पायरेंट और नीट के लिए भी है। तो मैं मान के चलता हूं कि आप में से काफी सारे बच्चे JEE वाला देख रहे होंगे, तो आप लोग JEE के लिए जरूर रजिस्टर करिए, बिल्कुल फ्री इसका रजिस्ट्रेशन हो रहा है। डिस्क्रिप्शन में लिंक होगा, जाकर के आप लोग इनरोल कर लीजिएगा। टेस्ट का डेट यही है 2 तारीख, 3 तारीख, 9 तारीख और 10 तारीख को दिसंबर में। बाकी यदि हम वेदांतु के परफॉर्मेंस के बारे में बात करें तो इन्होंने काफी अच्छा परफॉर्मेंस दिया है, बहुत ही ज्यादा बच्चों को इन्होंने सेलेक्ट करवाया है। तो आप भी इस टेस्ट को इनरोल कर सकते हैं, बिल्कुल फ्री है। डिस्क्रिप्शन में लिंक होगा, जाकर के अभी आप लोग इनरोल कर लीजिए। देखो एनटीए की तरफ से जो FAQ आया है उसमें सबसे पहला क्वेश्चन ये है नंबर ऑफ सेशन को लेकर, जो कि बात करना बहुत जरूरी है। क्वेश्चन क्या है कि क्या हम सेशन 1 और सेशन 2 जो आपके जनवरी और अप्रैल में होने वाला है उसके लिए एक साथ में हम एप्लीकेशन फी को पे कर सकते हैं? तो हाँ, आप एक साथ भी पे कर सकते हैं या फिर आप अलग अलग एप्लीकेशन फॉर्म के फी को आप पे कर सकते हैं। आपके पास दोनों ही ऑप्शन है, चाहे तो आप दोनों के लिए एक बार रजिस्टर कर लीजिए या फिर इंडिविजुअल आप दोनों के लिए रजिस्ट्रेशन करिएगा। एक बार फिर से ओपन होगा जब अप्रैल सेशन का होगा, तो लगभग फरवरी के एंड या मार्च में एक बार सेशन 2 के लिए एप्लीकेशन फॉर्म फिर से ओपन किया जाएगा। अगला जो क्वेश्चन आप सभी के सामने निकलकर सामने आता है कि क्या भैया कैटेगरी सर्टिफिकेट को अपलोड करना जरूरी है? तो इस बार कोई भी कैटेगरी सर्टिफिकेट अपलोड नहीं किया जा रहा है। एनटीए ने साफ साफ कहा है नो कैटेगरी सर्टिफिकेट इज टू बी अपलोडेड बाय द कैंडिडेट इन द ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म ऑफ JEE मेन 2024। हाउएवर द डॉक्यूमेंट्स इंक्लूडिंग द कैटेगरी सर्टिफिकेट विल बी वेरीफाइड बाय द काउंसलिंग।
जब आपके काउंसलिंग होंगे उस समय आपके कैटेगरी सर्टिफिकेट वेरीफाई किया जाएगा और वो कैटेगरी सर्टिफिकेट 1 अप्रैल 2024 के बाद का होना चाहिए। तो कैटेगरी सर्टिफिकेट आपको अभी अपलोड नहीं करना, बाद में बनाना पड़ेगा। एनटीए का जब फॉर्मेट रिलीज किया जाएगा तब आपको कैटेगरी सर्टिफिकेट बनाना है, ठीक है। अगला जो 19th नंबर क्वेश्चन यहां पे आप देख सकते हैं जो इंपॉर्टेंट है आप सभी के लिए, क्या बच्चा अपना करेक्ट कर पाएगा एग्जामिनेशन सिटी, जो एग्जामिनेशन सेंटर उन्होंने चूज किया, क्या वो करेक्ट कर पाएगा। तो एनटीए ने साफ साफ कहा है कि एनटीए इज नॉट रिस्पॉन्सिबल फॉर एनी मिस्टेक कमिटेड बाई द कैंडिडेट इन दिस रिगार्डिंग। कोई भी रिगार्डिंग अगर आपके कोई गलती होती है तो इसके लिए एनटीए कोई भी जिम्मेदार नहीं है, क्योंकि उन्होंने पहले ही इंडिकेशन दे दिया है आप सभी को। लेकिन उन्होंने एक और बड़ी बात कहा है कि आप वन टाइम करेक्शन फैसिलिटी मे बी प्रोवाइडेड, आपको एक बार करेक्शन फैसिलिटी प्रोवाइड किया जा सकता है जैसे ही एप्लीकेशन फॉर्म इंड होगी। और एप्लीकेशन फॉर्म 30 नवंबर 2023 तक चलेगा, उसके बाद हो सकता है कि एक बार एप्लीकेशन फॉर्म के डेट एक्सटेंड हो जाए और उसके बाद एक बार करेक्शन विंडो ओपन किया जाएगा। तो आप सभी लोग सब्सक्राइब करके जुड़ जाना, जिनके भी गलती हुए हैं जैसे ही करेक्शन विंडो ओपन होती है V2 Academy आपको अपडेट कर देगा, ठीक है। देखो 21st नंबर क्वेश्चन आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। बहुत सारे बच्चे गांव से होते हैं, उनके पास एक ही फोन होता है और उनके अगर दो भाई बहन या कोई फ्रेंड सर्कल में तैयारी कर रहा है तो एक ही नंबर को डाल देते हैं, जो कि आपको नहीं करना है। एक नंबर और ईमेल आईडी किसी एक इंडिविजुअल बच्चे का ही होना चाहिए। एक नंबर और ईमेल आईडी पे मल्टीपल आप रजिस्ट्रेशन नहीं कर सकते, ठीक है। तो एक नंबर ईमेल आईडी पे सिर्फ और सिर्फ एक ही रजिस्ट्रेशन आप करिए, वरना बाद में आपके एप्लीकेशन फॉर्म रिजेक्ट भी किया जा सकता है। बाकी इस बार एनटीए ने सिलेबस को चेंज किया है, तो सिलेबस आप एक बार बहुत ही बारीकी से देख लीजिएगा। 31st नंबर क्वेश्चन आपके लिए इंपॉर्टेंट है, इसे आप लोग आराम से पढ़ लीजिएगा और सिलेबस को बहुत ही बारीकी से देख लीजिएगा और पेपर पैटर्न को भी एक बार आराम से आप लोग देख लीजिएगा, ठीक है। अगला जो क्वेश्चन है पेमेंट को लेकर, 51 नंबर क्वेश्चन, जिनका पेमेंट में प्रॉब्लम आ रहा है, मान के चले पेमेंट आपने कर दिया है फिर भी वहां पे इनकम्प्लीट आपको दिख रहा है, तो आपको क्या करना है। एनटीए ने साफ साफ कहा है कि द पेमेंट स्टेटस ऑफ एन ऑनलाइन ट्रांजेक्शन, चाहे तो क्रेडिट कार्ड या डेबिट कार्ड से आपने किया है, इज नॉट कम्युनिकेटेड बाई द पेमेंट गेटवे इन रियल टाइम, देन फी पेमेंट इज नॉट कंप्लीटेड एंड द कैंडिडेट विल नॉट बी एबल टू डाउनलोड द एक्नॉलेजमेंट पेज। इन दिस केस द कैंडिडेट इज रिक्वायर्ड टू पे फी अगेन थ्रू ऑनलाइन मोड एंड डाउनलोड द एक्नॉलेजमेंट पेज। मतलब कि एक बार आपको फिर से पे करना है, अगर आपका पेमेंट कट गया है तो आपको वो पैसा जो है वो रिफंड आ जाएगा। पैसा कलो कर इन्होंने कहा है, द अमाउंट ड्यू टू द फेल्ड ट्रांजेक्शन ऑफ क्रेडिट कार्ड या डेबिट कार्ड विल बी रिफंडेड आफ्टर द डिक्लेरेशन ऑफ द फाइनल रिजल्ट ऑफ JEE मेन 2024। तो जैसे ही फाइनल रिजल्ट आपके आएंगे उसके बाद आपके जो पेमेंट है वो रिफंड कर दिया जाएगा। तो अभी आप लोगों को क्या करना है, अगर आपके ऐसे इशू आया है और अभी तक सही नहीं हुआ है, इनकम्प्लीट इशू कर रहा है, तो एक बार आप फिर से पे कर लीजिए। जो पैसा आपका कटा है और एक्नॉलेजमेंट डाउनलोड नहीं हुआ है वो पैसा आपका रिफंड आ जाएगा, एनटीए ने साफ साफ ऐसा कहा है। और अगर नहीं आता तो एक बार आप एनटीए को क्लेम भी कर देना, एक मेल भी कर देना, ठीक है। बाकी जो कुछ भी क्वेश्चन है मुझे कमेंट सेक्शन में कमेंट जरूर करिएगा, मैं आपको रिप्लाई जरूर करूंगा। बाकी चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा लीजिएगा, यहां पे आप सभी के एप्लीकेशन फॉर्म आने से लेकर के टिल एडमिशन कंप्लीट सपोर्ट किया जाएगा, ठीक है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जय हिंद जय भारत। साथ ही वेदांतु के फ्री टेस्ट को आप लोग इनरोल जरूर करिएगा, डिस्क्रिप्शन और कमेंट के सबसे टॉप पे लिंक आपको मैं प्रोवाइड कर दिया हूं।